आपकी फिर देर कर दी। अरे बिजनेस के झमेलों में तो देर हो ही जाती है ना। और मैं सारा दिन रूहों की तरह इतने बड़े घर में बुखलाई बुखलाई फिरती हूँ, तंग आ जाती हूँ। अब नौकरों से तो गप्पे मारने से रही। तो क्या नरगिस घर पे नहीं आई? उन मोहतरमा को तो अपनी मिल और फैक्ट्री में से फुर्सत नहीं मिलती, और फुर्सत मिल जाए तो मायके से फुर्सत नहीं मिलती। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। महीने में एक आधी बारी तो वो आते हैं, तो वो मोहतरमा भी तशरीफ ले आती हैं। मैं भी किन बातों में पड़ गई हूँ, ये बताएं, आपके लिए खाना लगाऊं? तुमने खाया? आपके बगैर आज तक खाया मैंने? तो फिर लगवाओ। अभी लगवाते हैं। जाने वाली चीज का हम क्या करे, जाने वाली चीज का हम क्या करे, ओ रु 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 रु। आइए अब्बा जी, आइए। ओ पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अब्बा जी, बिल्कुल ठीक है। ओ पुत्र, तो खुश तो है ना? हाँ अब्बा जी, खुश हूँ। मगर मगर क्या? अब्बा जी, ये फैक्ट्रियाँ, ये मिल्स, ये सारे झमेले कौन संभाले? तो पुत्र, उसे राजी कर, वो संभाले। उनका मिजाज नहीं ऐसा, उनको तो नफरत है जमीन जायदाद फैक्ट्रियों के नाम से भी। दिलचस्पी नहीं सियासत में, उनकी तो पूरी कायनात उनकी किताबें। दो दिन के लिए घर में आते हैं तो लाइब्रेरी में कैद रहते हैं। मैं थक गई हूं, मुझसे नहीं संभलता ये सब कुछ। पुत्र तो हिम्मत ना हार, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड देख, नाम देख, और फिर तेरा मियाँ तो बहुत ही बीबा बंदा है, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है। अब हर कोई गुनगुनाएगा दिन रात और दिल खोल कर करेगा गानों में बात, क्योंकि टॉप शॉप म्यूजिक बॉक्स से मिले ढेरों गाने एक साथ। तो बनाओ अपने मोबाइल फोन को अपना म्यूजिक स्टेशन और सुनो अपने पसंद के गाने। तो अभी 444 डायल करो और गानों का खजाना खोलो। ये तो है अब्बू जी, हमदर्द इंसान है, रहम दिल है, प्यार करने वाले, लेकिन मेरा दिल नहीं मिलता उनसे। तबीयत मिलाने से मिलती है बेटा, तू भी उसकी हॉबीज को अपनाने की कोशिश किया कर। किताबी कीड़ा बन जा, ये मुझसे नहीं होगा बाजी, लेकिन कोशिश करूंगी। और जिंदी रह मेरा पुत्र, खुश रह। आप बताएं क्या खाएंगे बाजी? तैयारी कर ली है ना? मैंने तो रात को सारी तैयारी कर ली थी, 7 तरह के खाने बनाए हैं उसकी पसंद के। है रजीनत, मुझे भी साथ ले चलना, ईमान से बड़ा ही दिल कर रहा है उसका माथा चूमने के लिए। अच्छा ठीक है, तेरी तरफ से मैं माथा उसका खुद चूम लूंगी। ये बता के टैक्सी में सामान रखवा दिया है? मैं तो सारा ही सामान रखवा दिया है। अच्छा चल ठीक है। अच्छा बात सुन, मीत ना उसे बहुत सारी दुआएं देना, बहुत प्यार करती है उसे। मेरी तो आंख का तारा है,
कुर्बान हो जाऊं उस पर। अच्छा चल जल्दी करना, कहीं देर ही ना हो जाए। आ जा। सर आप? तो गालिब को पढ़ा जा। जी सर, जिंदगी के आइंदा दिनों का तायुन जो करना है। बिल्कुल ठीक कहा, गालिब को पढ़े बगैर जिंदगी की पहचान हो ही नहीं सकती। मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने से पहले स्टूडेंट लाइफ में गालिब को बहुत पढ़ा, लेकिन कभी कभी इंसान सोचता कुछ है, चाहता कुछ है, लेकिन वक्त और मामला सब कुछ बदल के रखते। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बेगम कैसी है? ठीक है, वही फैक्ट्री और जायदाद में उलझी हुई है। कैंटीन चल के चाय पिए। एक्चुअली सर, मुझे हॉस्टल जाना है, मेरी आपा आने वाली है ना, तो मुझे नहीं मिलवाओगी उनसे? जी जी सर। घबरा क्यों रही हो? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ज़रूर आप भी मिलेगा उनसे, बहुत अच्छा लगेगा आपको उनसे मिलकर। मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।